गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विकास शर्मा बिफोर यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स। टुडे वी विल लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद ट्रिक। सो आवर फर्स्ट ट्रिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ट्रिक वन। ट्रिक नंबर वन, 9 × 8। जब मैं 9 की मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो इसी मल्टीप्लाई को हर एक बच्चा अगर 9 का टेबल लर्न होगा या 8 का टेबल लर्न होगा तो उसे बहुत इजीली लिख सकता है 72। कितना लिख देंगे? 72। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 8 है, इस 8 को आपको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसको 10 से माइनस करोगे 8 को तो कितना आएगा? जब 10 से इस नंबर को आप 10 से माइनस कर दोगे, जब आपको इसे 10 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। और इसमें से एक कम कर दीजिए, एक कम करने पे कितना आएगा? 7। सबको ट्रिक क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करता हूँ तो मैं इस नंबर को 10 में से माइनस करूंगा और इसी नंबर को मैं 1 में से माइनस, इसी नंबर में से 1 को माइनस करूंगा। जैसे मैंने इसको 10 में से माइनस करा तो 2 आएगा और उसमें से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 7। नाउ सेकंड इज, सेकंड देखिए 99 × 43। अगर मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर आप देखिए क्या करेंगे। यहां पर अगर यहां पर 9 है, एक 9 है तो आप 10 में से माइनस करोगे, और अगर यहां पर कितना है, डबल 9 है 99, तो आप इसी नंबर को कितने में से माइनस कर दोगे? 100 से। तो जब आप इसको 100 से माइनस करोगे 43 को तो कितना जाएगा? 7। और यहां पर कितना जाएगा? 5। कितना जाएगा? 57। और फिर इसी नंबर में से एक माइनस कर दीजिए, 43 में से एक माइनस करिए 42। कितना जाएगा? 42। यहाँ पर ट्रिक नंबर जो 1 है, ये भी 1 ही ट्रिक नंबर 1 ही चल रही है जिसमें हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन विद 9। तो 9 से मैंने, अगर यहाँ पर 9 है, केवल 1 9 है, तो हम क्या करेंगे, एक 9 के लिए हम दूसरे नंबर को जिसके से हम मल्टीप्लाई 9 से करने जा रहे हैं उस नंबर को हम 10 से माइनस कर देंगे। 10 से मैंने इस नंबर को माइनस करा और इस नंबर में से एक को माइनस करके लिखा। अगर यहाँ पर डबल 9 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले इस नंबर को 100 से माइनस करेंगे और फिर इसी नंबर में से 1 को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोई डिफरेंट नंबर लेता हूँ ये, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है 123 से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे इसकी। 39 के लिए मैं इसको कितने में से माइनस करूंगा? 1000 में से। कितने में से करूंगा? 1000 में से। तो मैं 1000 में से इसको माइनस करूंगा 123 को, 123 को तो माइनस करिए 7 7, और यहाँ पर 8। कितना आएगा? 7 7 8। और इस नंबर में से एक माइनस करके लिख दूंगा तो वो आ जाएगा 1 2, और यहाँ से 2। ये 123 है तो यहाँ पे कितना जाएगा? 122। तो आप सभी को ये ट्रिक अच्छी पसंद आई होगी। देखिए इसका जो एक और मैं आपको समझाता हूँ, 9 9 9 9, और यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ 4 2 3 6, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? इन नंबर्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी आएगी? देखिए यहाँ पर आप कितने 9 है, 1 2 3 4, तो आप क्या लिखेंगे? 10,000, और उसमें से माइनस कर देंगे इस नंबर को 4 2 3 6। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? 4। यहाँ पर कितना आएगा? 6। और यहाँ पर कितना जाएगा? 7। और यहाँ पर कितना आएगा? 5। तो जब आपने इस नंबर को माइनस करा तो आपके पास क्या गया है? 5 7 6 4, और इसमें से एक माइनस करके लिख दीजिए 4 2 3 5। तो इसकी मल्टीप्लाई आई होगी। तो आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम सेकंड ट्रिक की ओर चलते हैं। नाउ ट्रिक नंबर सेकंड,
फिफ्थ नंबर सेकेंड इज ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड के कई पार्ट हैं, जैसे लेस देन 100, लेस देन 100, लेस देन 100। तो लेस देन 100 में आपको क्या करना है, लेस देन 100, 100 से कम। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, मुझे मल्टीप्लाई करनी है 98 और 97 की। कितने नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, 98 और 97 की। या मैं लिख लूं यहां पर, मुझे मल्टीप्लाई करनी है 80 और 97 की। अगर मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो कैसे करेंगे, यहां पर इस नंबर को देखिए, ये 100 से कितना कम है, 3, और ये 100 से कितना कम है, 20। कितना कम है ये, 20। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि ये वाला नंबर 100 से 3 कम है और ये वाला नंबर 100 से कितना कम है, 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 60। यहाँ पर आप 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 77। या तो 80 में से 3 को माइनस कर दो या 97 में से 20 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 77। आई होप कि सेकंड ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए इसी पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 85 की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 96। 85 की मल्टीप्लाई मैं किससे करने जा रहा हूँ, 96। तो 85 के लिए ये कितना कम है, 15 कम है, और ये कितना कम है, ये है 4 कम। ये कितना कम है, 4। मैं सिखा रहा हूँ आपको लेस देन 100। मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करने ही सिखा रहा हूँ जो लेस देन 100 है, 100 से दोनों नंबर कम है। तो ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये नंबर लिया, ये कितना कम है, 15, ये कितना कम है, 4। दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60। या तो 84 में 85 में से 4 माइनस कर दो या 96 में से 15 माइनस कर दो। दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, 81। या तो मैं 84 में 85 में से अगर 4 माइनस करूंगा तो भी 81 आएगा, 96 में से 15 को माइनस करूंगा तो भी कितना आएगा, 81। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, नेक्स्ट इसी ट्रिक पर अभी एक और क्वेश्चन देखिए। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 98 और 97, अगर मैं 98 और 97 लिखता हूं और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है तो कैसे करना है, बेटा ये कितना कम है, 2 कम है, और ये कितना कम है, 3। दोनों नंबर कितने कम है, एक 2 कम है और एक 3। दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, तो आप 6 नहीं लिखेंगे, आप कितना लिखोगे, 06, क्योंकि आपको डिजिट 2 लेनी है। इससे पहले जो नंबर आए थे 23 जा 60 ऑलरेडी 2 डिजिट थी, 15 4 जा 60 2 डिजिट थी 60। यहाँ पर 2 3 जा 6 तो मैं 06 लिखूंगा तो वो 6 ही रहेगा, अगर 60 लिखूंगा तो वो 60 बन जाएगा। तो मैं इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 6 के अगर मैं 2 डिजिट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा 06 ना। या तो आप 98 में से 3 को माइनस कर देंगे या 97 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 95। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। देखिए इसमें हम सेकंड जो ट्रिक नंबर सेकंड थी उसमें हम सेकंड पार्ट सीखेंगे, मोर देन 100। अभी हमने डिस्कस करा था लेस देन 100, अब हम डिस्कस करेंगे मोर देन 100। मोर देन 100 में देखिए ये नंबर कितना ज्यादा है, प्लस 2। ये नंबर कितना ज्यादा है, प्लस 4। कितना है, प्लस 4। तो यहाँ पर कितना जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 4 टू जा 8। तो 8 में एक सिंगल डिजिट है जबकि हमें कितनी लिखनी है उसमें, 2 डिजिट। यहाँ पर मोर देन 100 का डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो इसमें मैंने ऑब्जर्व करा ये नंबर 2 ज्यादा है 100 से, ये नंबर 4 ज्यादा है। दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 4 टू जा 8, 8 में केवल एक डिजिट है तो हमें कितनी डिजिट लेनी है, 2। तो उसको लिखेंगे 08। फिर इसमें आप या तो 102 में 4 को ऐड कर दीजिए या 104 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 106। देखिए 102 में जब 4 को ऐड करोगे तो भी 106 आ रहा है, और अगर 104 में 2 को ऐड करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 106।
ये देखिए यहाँ पर 3 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है 6, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18, 6 3 18, या तो आप इसमें 6 ऐड कर देंगे या इसमें 6 ऐड कर देंगे। तो जब मैं इसमें 6 ऐड करूंगा, इस नंबर में 6 ऐड करूंगा तो 109 आ जाएगा, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई हो गई है। इसी ट्रिक पर अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, 104 और 107। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 104 और 107, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं इस नंबर की, तो आंसर क्या आएगा? मैंने आपको ऑब्जर्व करा ये नंबर कितना ज्यादा है, +4, ये नंबर +7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 20, या तो इसमें 7 ऐड कर दो या इसमें 7 ऐड कर दो, या तो 104 में आप 7 ऐड करेंगे या 107 में 4 ऐड करेंगे। तो जब मैंने इसमें 7 ऐड करा तो कितना आ जाएगा 111, कितना आ जाएगा 111। देखिए और देखिए इसका, हेलो। देखिए क्वेश्चन 102 की मल्टीप्लाई मैं करूंगा 109 के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +2 और यहाँ पर +9, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 9 2 18, या तो इसमें 102 में 9 ऐड कर दीजिए या 109 में 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 111। तो आई होप कि आपको सभी को बहुत अच्छे से ट्रिक पसंद आई होगी। इसी टाइप के आप क्वेश्चन लेकर अपने आप ही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और अपने आप ही उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।